नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी हूँ। आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम। महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को एक बार फिर से जोरदार झटका दिया है। दरअसल ठाणे कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई में उनके सदगुरु होटल और बार को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई मद्य निषेध अधिनियम की धारा 54 के तहत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने कार्रवाई की वजह बताते हुए कहा कि वानखेड़े ने 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद नार्वेकर ने होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए 6 पेज का आदेश पारित किया। इस बार को शराब, हल्के शराब, शराब और किन्नी शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी। कलेक्टर की जांच में यह पाया गया कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था। लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष की आयु की जरूरत थी, लेकिन वानखेड़े उस समय 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे, इसलिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम।